सोलन में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा ने की। लखविंदर राणा ने स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री हिमाचल का इस्तीफा मांगा और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि बद्दी संवेदनशील क्षेत्र होते हुए भी यहाँ कोरोना से बचाव के उचित प्रबंध नहीं किए गए। क्वारंटीन केंद्रों की हालत बेहद बुरी नजर आई। इन केंद्रों में 60 लोगों पर 2 शौचालयों का प्रतिबंध किया गया है और लोगों के स्वास्थ्य को दांव पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इन केंद्रों का मुआयना किया गया, जब वास्तविकता उजागर होने लगी तो प्रशासन ने इसकी आवाज दबाने के लिए उन्हें क्वारंटीन कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने कमियों को उजागर करने का प्रयास किया उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में एक बड़े घोटाले होने की बात सामने आई है, जिसने नैतिकता के आधार पर भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं, लेकिन जो इस विभाग के मुखिया हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, इसलिए वे मांग करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। उन्होंने भाजपा के मंत्री राजीव सैजल के आरोपों का खंडन किया और कहा कि वे कोरोना संकट में बद्दी के मजदूरों में डटे रहे और सरकारी पैसे से नहीं बल्कि अपनी गाड़ी कमाई से मजदूरों और जरूरतमंदों की सेवा की, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने नालागढ़ में निजी कंपनियों और सामाजिक संस्थाओं से आए सामान को वितरित किया। पूर्व विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब से एक पैसा तक नहीं लगाया और वाहवाही लूटने का प्रयास किया। ऊपर से उनके मंत्री उन पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश में जो ये घोटाला हुआ है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस स्वास्थ्य विभाग के जो निदेशक है अजय गुप्ता जी, उनकी अरेस्ट होती है और उसके बाद एक दूसरा आदमी जो अरेस्ट होता है, तो उसके पश्चात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनका इस्तीफा होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने नैतिकता को समझते हुए अपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास जो है ये विभाग है, विपिन सिंह परमार पहले इसके मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया तो ये महकमा जो डिपार्टमेंट है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के पास है, तो मुख्यमंत्री की जो है देख रेख में ये स्वास्थ्य विभाग का घोटाला हुआ है, तो हम जो है मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं। दूसरे, यहाँ पर हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसे राजीव सैजल जी ने यहाँ पर कहा कि कांग्रेस के लोग जो है 72 दिन के बाद सामने आए, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी हमारे कांग्रेस के लोग, कर्नल धनीराम शांडल जी जनता के बीच में रहे, उन्होंने 10 लाख रुपए की जो है किट्स और मास्क और भी जो सामान कोविड-19 बीमारी के लिए हमारे लोगों के लिए चाहिए था, जनता के लिए चाहिए था, उन्होंने जो है इस सोलन जो उनकी कंजूसी है उनमें दिया। इसी तरह मैंने भी 5.5 लाख का जो सामान था, मास्क थे और सैनिटाइजर था, वो लोगों में बांटा और हमने लोगों के बीच में जो है किट्स भी बांटी, राशन भी दिया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो हमारे वहाँ के पूर्व विधायक हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने जो सामान बांटा वो तो फैक्ट्रियों से इकट्ठा हुआ किया हुआ सामान था, जो किट्स थी फैक्ट्रियों ने दी थी, जो पैसा भी था फैक्ट्रियों दिया हुआ था, लेकिन वो पैसा और किट्स भी जो है उसमें भी घोटाला है। वो सामान जो था भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो यहाँ पर बात कहते हैं कि हमने बांटा, उन्होंने कोई जेब से नहीं बांटा, उन्होंने जो स्वयंसेवी संस्थाएं जो हमारी थी, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी, चाहे जिलाधीश के पास, चाहे SDM के पास, चाहे SP ऑफिस बना, वहाँ वो सामान जो है वहाँ पर जो कोविड-19 से जो पीड़ित लोग थे, जो वहाँ पर फंसे हुए थे लोग थे, मजदूर थे, जो अपने घरों को नहीं जा सकते, जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं था, उसके लिए जो हमारे लोग थे उन्होंने वहाँ पर सामान जो है राशन जमा करवाया था। उस राशन को जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनसे उठाया गया, लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने स्वयं अपने पास से अपनी जेब से जो है ये सामान बांटा है, जो उनका ये आरोप है बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है।